हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु, मैं जितेंद्र। दोस्तों आज हम करने वाले हैं मानसून में अपनी बाइक को कैसे केयर एंड मेंटेन करें। ये रेनी सीजन में दोस्तों मालूम है कि पानी और बाइक मेटल पार्ट का अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता, एंड ये 2-3 महीने अपनी बाइक को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है ताकि रस्ट ना लगे एंड जो बाइक थोड़ी मेंटेन रहे। चेन का जो प्रॉब्लम आता है, रस्टिंग का जो प्रॉब्लम आता है एंड बाकी प्रॉब्लम से अपनी बाइक को कैसे करें, उसी पे आज जो है वीडियो आने वाली है। ये सारे प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से मंगाए हुए हैं, इन मैक्सिमम प्रोडक्ट के बारे में डिटेल देने वाला हूँ। बहुत सारी डिटेलिंग जो है ना आगे वीडियो में आने वाली है, तो मेक श्योर इस वीडियो को आखिर जो देखिए। चलिए जानते हैं। दोस्तों रेन मेंटेनेंस करना बहुत ही इजी है, कुछ इजी स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। राइट टूल भी आपके पास होना चाहिए। मैं WD-40 या फिर कोई भी रस्ट क्लीनर जो है वो रिकमेंड करता हूं, जिससे आप इजीली स्प्रे करके जो है इस प्रोसेस को क्विकली कर सकते हैं घर पे। दोस्तों WD-40 एंड जो रस्ट क्लीनर्स होते हैं उसमें कैरोसिन के कंपाउंड होते हैं, जिससे कि आपका रस्ट जो है बाइक पे नहीं लगता है और कॉन्टैक्ट जो है प्रॉपरली क्लीन भी हो जाता है। एंड जो छोटे छोटे गैप्स जो होते हैं ना उसमें भी जाके जो है वो कॉन्टैक्ट में जो है रस्ट या फिर कोई भी ऐसा कंपाउंड जो है क्रिएट करने नहीं देता है। तो हमेशा याद रखिए कि ये जो स्प्रे है अपने पास रखिए ताकि आप इजीली प्रोसेस कर सकें, एंड जब भी वहां पे स्प्रे करें उसको क्लीन कर दीजिए ताकि डस्ट जो है वहां पे ना चिपके। एंड की होल्स हो या फिर हैंडल बार के स्विचेस एरियाज हो, जो मूविंग एरियाज होते हैं, वो नट या बोल्ट हो दोस्तों, जो रस्ट पार्ट अगर आपके बाइक में लगा हुआ है तो वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड क्रोम के जितने भी पार्ट्स अगर आपको दिख रहे हैं वहां पे भी, एंड साइड स्टैंड, मेन स्टैंड, बैटरी टर्मिनल्स, अगर आपका निकोटा कोई ऐसा नट बोल्ट है जो नहीं ओपन हो रहा है, इन सभी जगह पे जो है आप जो है WD-40 या फिर रस्ट क्लीनर जो है यूज करते हैं। इवन आप चेन क्लीनिंग के लिए भी आप इसको यूज करते हैं। चेन लूप के लिए जो है अलग प्रोडक्ट आते हैं, मैंने चेन लूप के लिए तो बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। आप मेरा रिकमेंडेशन एक चीज ये रहेगा, अगर आपको चेन जो लूप करना है ना रेनी सीजन में खासतौर से, तो उसके लिए आप गियर ऑयल का यूज करिए। गियर ऑयल जो है अच्छा से वो चिपकता भी है, लॉन्ग टाइम तक रहता भी है। या फिर आप पेस्ट जो है मोडुल के पेस्ट आते हैं, पेस्ट जो है वो भी यूज कर सकते हैं, उसका भी लाइट क्वांटिटी यूज करके जो है आप उसको चेन को जो है रस्ट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इवन जो है आपके जो है स्पार्क प्लग और बाकी सभी चीजें जो है वो भी क्लीन कर सकते हैं, मगर क्योंकि रेनी सीजन में ना मॉइस्चर बहुत लग जाता है, इसकी वजह से बाइक जो है जल्दी स्टार्ट नहीं होती, तो ये भी चीजें आप फॉलो करते हैं। बहुत ही क्विक प्रोसेस है, ज्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है, मैंने जैसे बताया 5 से 10 मिनट का प्रोसेस है और एवरी 15-20 डेज में आपको ये प्रोसेस जो है फॉलो करना होता है। तो देखा आपने कि कितना इजी है मेंटेनेंस करना, जस्ट आपको स्प्रे करना है और वाइप कर देना है। आप रस्ट क्लीनर, WD-40, गियर ऑयल या फिर आप इंजन ऑयल, ये सभी चीज़ें यूज करते हैं, बट गियर ऑयल और इंजन ऑयल में टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। उसको कॉटन से ही लगाना होता है और वाइप कर देना होता है ताकि एक हल्का सा लेयर जो है वो मेटल और क्रोम पार्ट पे लगे रहे, जिससे कि आपका कपड़े भी खराब ना हो और ज़्यादा वो जो डस्टिंग वस्टिंग है ना वो भी टच वच ना हो। तो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो चेन लुब्रिकेशन है वो तो आप रेगुलर कर सकते हैं, अगेन वो उसको उसमें आप चाहे तो गियर ऑयल या फिर इंजन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप जो लुब्रिकेशन आता है मोटर का डिफरेंट ब्रांड्स का वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ कि आपको क्या करना है, अब क्या नहीं करना है वो भी जान लेते हैं दोस्तों। दोस्तों पहले तो आपको डायरेक्ट जो रेन है ना बाहर में एकदम अपनी बाइक को नहीं रखना है। बाइक या बुलेट्स को अगर आप रखते हैं ना उसको कवर नहीं करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि आप मान लीजिए पूरे टाइम में एयर और वाटर कॉन्टैक्ट में जब बाइक्स रहती हैं, जब मेटल्स रहता है, तो उसमें रस्टिंग के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, वहाँ पे भी रस्ट पूरा अंदर लग जाता है, बाद में फिर वो नॉइस क्रिएट करता है और उसकी जो स्ट्रेंथ होता है फिर रस्ट लगने की वजह से जो स्ट्रेंथ में जो कमी आती है वो भी चीज़ रहती है। तो डायरेक्ट मत रखिए, या तो शेड में रखिए ताकि डायरेक्ट वाटर उसमें ना जाए, या तो कवर करके रखिए उसको बाइक कवर्स से ताकि उस पर डायरेक्ट वाटर ना पड़े। एंड दूसरा, जैसे ही आपकी बाइक जब रेन से आए, बारिश से आए, कीचड़ से आए, तो आपको डायरेक्ट वॉश नहीं करना है। वेट फॉर 1 or 2 hours तब ताकि नॉर्मल हो जाए बाइक, उसके बाद हल्का सा वॉश आप कर सकते हैं, पानी हल्का सा रख के उसको वाइप कर दीजिए, दैट्स इट। एंड अगेन ये जो प्रोसेस मैंने बताया वो आप फॉलो कर दीजिए ताकि एक और प्रोटेक्शन लेयर जो है वो बन जाए। थोड़ा सा रेनी सीजन में बाइक को ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है, थोड़ा मेंटेन अगर आप कर देते हैं तो बाइक की जो लाइफ होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है। और बारिश 2-3 महीने ही आती है, तो दोस्तों ये 2-3 महीने काम है, वीक में एक बार अगर आप प्रोसेस करते हैं ये तो आपकी बाइक के लिए सही है। इंस्पेक्शन जरूरी है, जब भी आप फ्री टाइम मिले 5 मिनट निकाल के इंस्पेक्शन कीजिए अपने बाइक का कि हाँ भाई कोई पार्ट में रस्ट तो नहीं लग रहा या कोई ऐसा कोई डैमेज तो नहीं हो रहा रेन के वजह से, कीचड़ के वजह से या डस्ट के वजह से जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो,
तो ये इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है। एंड ये अगर आप छोटी मोटी चीज़ें कर देते हैं ना तो आपकी बाइक टोटली मेंटेन है, उसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें सिंपल चीज़ है। थोड़ा सा मेंटेनेंस टाइम है, 5 से 10 मिनट निकालना है आपको और क्लीन और इंस्पेक्शन करना है। अगर आप ये कर देते हैं तो आपकी बाइक टोटली मेंटेन रहेगी। तो दोस्तों आई होप आपको मैक्सिमम पॉइंट जो है कवर हो चुका हो, किस तरह से मेंटेन करना है कर सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दे दूंगा मैं कहाँ से आप बाय कर सकते हैं प्रोडक्ट। और रस्ट क्लीनर अपने पास रखिए, रस्ट क्लीनर और WD-40 जो है हर राइडर के पास तो होना ही चाहिए। तो दोस्तों यहाँ वीडियो को एंड करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट गुरु। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे। बाय।